कर आज हम बात करेंगे सैमसंग के विंड फ्री एयर कंडीशनर के बारे में। सैमसंग के विंड फ्री एयर कंडीशनर में क्या होता है कि जब आप उसे विंड फ्री मोड पर डालते हैं तो उसमें जो एयर होती है वो 23,000 माइक्रो होल से डिस्बर्स होती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कस्टमर साइड से कि क्या ये होल्स चोक हो जाते हैं, तो इसका मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूँ कि जो होल्स हैं वो चोक नहीं होते। रीज़न कि ये एयर को ब्लो करता है, सक्शन नहीं करता, जो सक्शन करेगा वो चोक होता है। जैसे कि ये जो फिल्टर आप देखते हैं ये चोक होता है, इसीलिए हम इसकी सर्विस करवाते हैं, ठीक है। तो ये चोक हो सकता है, तो इसके लिए क्या होता है, इसको भी क्लीन करना आसान है। कैसे, अभी ये लगा हुआ है, इसमें डस्ट आएगी क्योंकि ये एयर को खींचता है, रूम की एयर को, तो इसमें डस्ट आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और बाहर निकाल लेंगे, तो ये हाई डेंस फिल्टर है, ठीक है, और ये चोक हो जाता है। तो इसकी क्लीन आप खुद से कर सकते हो, इसके लिए कोई इंजीनियर की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं विंड फ्री की, तो जो क्लीन एयर होती है यहाँ से डस्ट तो यहाँ पे रुक जाती है, इसलिए यहाँ पे ये चोक हो ही नहीं सकता। और जो क्लीन एयर होती है वो क्लीन एयर जो है यहाँ से निकलती है। इसको भी अगर आपको क्लीन करना हो तो इसको भी आपके लिए किसी को इंजीनियर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप खुद से ही साफ़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये बोथ साइड एरो बन के रखी है, आप बोथ साइड हाँ रखेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, ये देखिए आप। तो इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है, और जिस तरीके से आपने दो बोथ साइड जो एरो है जैसे आपने वहाँ से निकाला, एज इट इज़ वापस फिट हो जाता है। दिखाता हूँ, ये वापस फिट हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से फिट कर सकते हैं। आप विंड फ्री एसी हो या नॉन विंड फ्री एसी हो, क्लीनिंग की बात करें तो सर्विस जब आप कराते हैं तो सारे एसी साफ होते हैं, सबकी फ्रंट ग्रिल साफ होती है, सबके फ्लैप साफ होता है, सबका ब्लोवर साफ होता है, सबकी फिन साफ होती है, ठीक इसी तरह विंड फ्री एसी का भी साफ होता है। बट बात चोक की है तो चोक नहीं होता, चोक सिर्फ वो होगा जो सक्शन करेगा, जो ब्लोवर है वो चोक नहीं होता। तो यहाँ से ब्लो होता है ना कि सक्शन, आप एग्जांपल के देख ही रहे, यहाँ से एयर निकलती है, क्लीन एयर, ठीक है। तो इसलिए दोनों चोक नहीं होंगे, और इसको निकाल कर साफ करना भी आसान है। धन्यवाद।